तो भाई कांग्रेस पार्टी के लीडर ने आर्टिकल 370 पर जो बयान दिया उस पर काफी लोग बहुत सरप्राइज हो रहे थे, लेकिन आज मैं आपको कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े फेल्स दिखाता हूं, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि ऐसी चीजों में सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है और क्यों कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि एंटी नेशनल कांग्रेस बोलना चाहिए। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज के एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। कि भाई कहावत है ना इंडिया में कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कांग्रेस की कहावत है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो कश्मीर देंगे। आप पूछ के तो देखो, बस कुछ भी करके इलेक्शन जितवा दो हमको। तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को एक क्लब हाउस के कॉल पर क्या बोला था। अब रिवोकिंग आर्टिकल 370 एंड रिड्यूसिंग द स्टेटहुड ऑफ J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a re-look on this issue. उन्होंने ये भी कहा था, Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. अच्छा जी, Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. धोखा स्वभाव है मेरा, क्या करे। लेकिन है लौड़ा का फैक्ट चेकर, इसको तो फैक्ट चेक करना नहीं चाहता। लेकिन पिछले सैटरडे मोदी के चाचा के भाई की बहन के कुत्ते के भतीजे ने पान खाया था कि तंबाकू खाया था, उसको फैक्ट चेक करने जरूर पहुंच जाएंगे। कितने मनुष्य लग रहे, खौफनाक डकैत। तो लोग दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट पे बड़ा शॉक हो रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था भाई ये कांग्रेस की तरफ से कुछ नया नहीं हो रहा है। जिस तरह इबू हटेला केले के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकता, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी बिना इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को अंडरमाइन किए बिना नहीं रह सकती। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था और कश्मीर को वापस इंडिया में इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने इसको बहुत हेविली अपोज किया था। राहुल गांधी ट्वीट, नेशनल इंटीग्रेशन इज इन फर्दर्ड बाय यूनिलैटरली टेयरिंग अपार्ट जम्मू एंड कश्मीर, imprisoning elected representatives and violating our constitution. उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि भैया कश्मीर भारत का इंटरनल इशू नहीं है। कि 1948 से 1948 में जहाँ यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो का इंटरनल मामला है। नंबर वन शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो का इंटरनल मामला था, ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या, मतलब कसम से एक अल्फा पार्टी होती है और एक बेटा पार्टी होती है, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ये दिखाने के लिए परेशान है कि वो एक नंबर की बेटा पार्टी है। मतलब कांग्रेस पार्टी एक उस आदमी की तरह है जिससे उसकी बीवी नाराज है, तो वो पड़ोसी मर्द के पास जाता है और उसको जाके बोलता है कि प्लीज जरा मेरी बीवी को खुश कर दो। आपको आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? आपको थोड़ा नहीं, मुझे नहीं, 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 बिल्कुल शर्म नहीं आती, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। याद रखिए ये बात कि कांग्रेस पार्टी ने ही कश्मीर इशू को ओरिजिनली भी क्रिएट किया था। जब 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने ट्राइबल रेडर्स का इस्तेमाल करके कश्मीर को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की थी, तब इंडियन आर्मी ने पलटवार किया था और पाकिस्तान को धीरे धीरे कश्मीर से बाहर भी धकेल रहे थे। इंडियन आर्मी पूरे कश्मीर को, पूरे गिलगित और पूरे बाल्टिस्तान को छोड़ाने वाली थी, लेकिन नेहरू जी ने सीज फायर करवा दिया जबरदस्ती और इस इशू को लेकर जबरदस्ती यूएन चले गए, और इस वजह से भारतीय जमीन दुश्मन देश के हाथ में चली गई और आज तक वो जमीन उस दुश्मन देश के हाथ में पड़ी है, और वो दुश्मन देश आज तक उस जमीन पर टेररिज्म फैला रहा है और रेडिकलिज्म फैला रहा है। और सिर्फ ये कोई इकलौता फेल नहीं है कांग्रेस पार्टी का, हिंदुइज्म को किस तरह से एक्सप्लॉइट करती है कांग्रेस, जरा उसको भी देख लेते हैं। भैया हिंदुइज्म को तो ये लोग च्युइंगम की तरह इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा चबाया और जब जरूरत खत्म हो गई तो थूक दिया। जब इलेक्शन जीतने होते हैं तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में गौशाला बनाने लगती है, बोलती है कि भाई गाय तो हमारी माता है, गाय से हम बहुत प्यार करते हैं। जब इलेक्शन जीतने होते हैं तो हमारा छोटा भीम जनेऊधारी शिव भक्त बन जाता है।
लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू टेरर का एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया था। 20 जुलाई 2009 को राहुल गांधी की अमेरिकी राजदूत से बातचीत हुई थी। सवाल लश्कर-ए-तैयबा को लेकर था। राहुल ने कहा, देश को लश्कर-ए-तैयबा से ज्यादा बड़ा खतरा अतिवादी हिंदुओं से है। ये वही कांग्रेस पार्टी है और इसी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है दिग्विजय सिंह, जिन्होंने 26/11 के टेररिस्ट अटैक के बाद ये तक कह दिया था कि ये टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान से आए हुए इस्लामिक टेररिस्ट ने नहीं किया है बल्कि आरएसएस ने करवाया है। जबकि कुछ सालों बाद पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट किया कि भाई 26/11 में हमारा ही हाथ था। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स में रूस बोल्टन था ना, जिसने इतना बड़ा धोखा दिया था, वो भी कांग्रेस पार्टी को देख के सोच रहा होगा अब ज्यादा हो रहा है। भाई एक फैमिली को धोखा देना एक चीज होती है, पूरे के पूरे देश को धोखा देना दूसरी चीज होती है। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो हिंदुओं से बड़ा प्यार करती है, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी ने जब CAA आया था, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन हिंदुओं की मदद करने की कोशिश करता है जो कि फोर्स्ड कन्वर्जन्स और जेनोसाइड फेस कर रहे हैं उन देशों में, इसी हिंदू प्रेमी कांग्रेस पार्टी ने उस CAA को पूरी तरह से अपोज भी किया था। द गांधी फैमिली, द हाई कमांड ऑफ द कांग्रेस पार्टी हैज बिगन इट्स धरना अगेंस्ट द सिटीजनशिप एक्ट एट दिल्लीज राजघाट। और कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ और ट्रिपल तलाक की तरफ क्या एटीट्यूड रहा है उसको जरा देख लेते हैं। भाई कांग्रेस पार्टी हमें कहती है कि वो मुस्लिम से बड़ा प्यार करती है, उनको मुस्लिम्स की चिंता है, वो मुस्लिम्स की डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। लेकिन जब ये डेवलपमेंट होता है, जब इंडिया से ट्रिपल तलाक जैसी मिडीवल बारबेरिक प्रैक्टिस को हटाने की कोशिश की जाती है, एक इतनी बुरी प्रैक्टिस कि पाकिस्तान जैसे टट्टू देश ने भी इसको बैन करके रखा हुआ है, तब कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन क्या होता है? लोगों से वादा करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी 2019 में और हम इस ट्रिपल तलाक कानून को खारिज करेंगे। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। बढ़िया है यार, है बेटा बिगड़ गया माँ के लाड़ में, मुस्लिम औरतें जाएं भाड़ में। आर्मी की तरफ इनका बिहेवियर देख लीजिए आप। कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से आर्मी के ऊपर सवाल उठाया है, उनके ऊपर डाउट डालने की कोशिश की है, उसका भी बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। तहे देश के वीर जवानों के खून की दलाली के राहुल गांधी के विवादास्पद बयान पर आज भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को सेना की वीरता का अपमान बताते हुए कहा कि राहुल सारी सीमाएं लांघ गए हैं। इफ यू यूज इंडियाज लेबरर्स, इंडियाज फार्मर्स, इंडियाज वर्कर्स, you will not need the army, navy and air force to be standing over there. China will not have the guts to come inside. This big brain time. The statement did not go well with the military veterans who strongly objected to Rahul's statement, calling it demeaning and an insult of forces. हाँ भाई, आर्मी की क्या जरूरत है, किसानों से करवा लेंगे देश की रक्षा। डॉक्टरों की क्या जरूरत है, किसानों से करवा लेंगे सर्जरी। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की क्या जरूरत है, किसानों से करवा लेंगे। बीवी और गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है, किसानों से। नेवर माइंड। किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने खुल्लम खुल्ला रेडिकल्स को और एंटी नेशनल्स को सपोर्ट किया है उसको भी देखते हैं। केरला और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ भी गठबंधन किया है। PFI एक ओपनली रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कई पॉलिटिकल और रिलीजियसली मोटिवेटेड मर्डर्स में शामिल है। उन्होंने हाल में ही एक परेड निकाली थी जिसमें उन्होंने आरएसएस और हिंदुओं को धमकी दी थी कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो तुरंत हिंदुओं को गुलाम बनाएंगे। रामलिंगम के मर्डर में भी उनका हाथ था। Remember a few days back a PMK worker was hacked to death for opposing religious conversion and now Republic TV has accessed an FIR which shows that 6 PFI men have been arrested for the murder. ये लोग इतने रिलीजियसली संस्कारी हैं कि उन्होंने एक क्रिश्चियन प्रोफेसर का हाथ काट दिया था क्योंकि उस क्रिश्चियन प्रोफेसर ने एक टेस्ट में प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में एक ग्रामेटिकल सवाल डाल दिया था। संस्कार देखिए हैं, इतने संस्कारी हैं कि हमारे संस्कारी बाबूजी भी इनको देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि भाई इनको मेरे से दूर रखो, मेरे को अपने हाथ पसंद है। और PFI की बहुत लंबी और पुरानी हिस्ट्री है इस तरह के वायलेंस की और मुस्लिम्स के रेडिकलाइजेशन की। और सिर्फ ये एक तरह के एक्सट्रीमिज्म को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, पंजाब में भी इस कांग्रेस पार्टी ने भिंदरांवाले जैसे एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट किया था जो खुल्लम खुल्ला हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहा था, हिंदुओं और सिखों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा था, सिख्स को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था। इसी कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिक्स के लिए पंजाब को एक्सप्लॉइट किया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार को इतनी बुरी तरह से मिसमैनेज किया था और इस वजह से पंजाब में 80s और 90s के दशक में इतनी बुरी इंसर्जेंसी हुई थी। और किस तरह से 1984 में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में दिल्ली में एंटी सिख मैसेकर हुआ था उसको कौन भूल सकता है। इतना बड़ा कलंक है वो इंडिया के ऊपर। जब
बेचारे किसानों ने डिसाइड किया एक दिन कि हम भाई रेड फोर्ट के ऊपर दंगे करेंगे, जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी का इतना इंपॉर्टेंट सिंबल है। कांग्रेस पार्टी ने खुल्लम खुल्ला इस दंगे को सपोर्ट किया था। इनफैक्ट जिस दिन ये दंगे हुए थे, उस दिन दंगों के होने के बाद तुरंत कांग्रेस पार्टी ने फार्मर्स के सपोर्ट में ट्वीट डाला था। और कांग्रेस पार्टी की जो लंबी और पुरानी हिस्ट्री है फ्री स्पीच को दबाने की, उसको कौन भूल सकता है। नेहरू जी ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट डाली थी, जो अमेंडमेंट इंडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कई रोड ब्लॉक्स को डालता है। नेहरू जी ने इंडिया में जर्नलिस्ट और आर्टिस्ट को अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने के लिए जेल में डालने का ट्रेंड शुरू किया था। नेहरू जी ने इंडिपेंडेंट इंडिया में किताबों को बैन करने का ट्रेंड शुरू किया था। और इस तरह की सेंसरशिप का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने के ट्रेंड का अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ कि 1975 में भारत में कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी भी लगाई, जो कि कांग्रेस पार्टी की डिक्टेटोरियल टेंडेंसी का वर्स्ट एग्जांपल है। हाल में ही कांग्रेस पार्टी सेक्शन 66A लेकर आई थी, जो कि इंटरनेट पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश कर रहा था। तो दिस वॉज नॉट अ कंप्लीट लिस्ट, बट स्टिल अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कांग्रेस बिगेस्ट फेल्स। और इसलिए हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस शो पर एंटी नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। लोग भी इस बात को रियलाइज करने लगे हैं, लोगों ने भी उनके लिए वोट करना बंद कर दिया है। उनके खुद के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, डायनामिक लीडर्स हैं, वो लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि इस समय इस पार्टी का कोई ढंग का फ्यूचर नहीं है। और अगर हमको इस देश के लिए एक्चुअली कुछ करना है तो इस पार्टी को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी इस समय पर सोनिया माइनो और हार्ले जी की मोनोपोली बनी हुई है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट इंडिया में कांग्रेस पार्टी ने सबसे खराब क्या चीज की है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज एज यूजुअल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, पेट्रियन पर एक मेंबर बने, यूट्यूब पर एक मेंबर बने, शो को इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहें। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।